तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक तरफ 1.5 लाख रुपए का फोन एंड दूसरी तरफ है 1.3 लाख रुपीज का फोन। और एक बात बता दूं, कितने बड़े टेक यूट्यूबर बन जाना, महंगे फोन लेने से पहले अपने घर वालों को समझाना पड़ता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों फोनों को कंपेयर करेंगे और आपका भाई बताएगा कि 1.5 लाख रुपए में कौन आपको तगड़ा मसाला प्रोवाइड करा रहा है। और काफी लोग बोलने वाले हैं कि 13 प्रो मैक्स की वीडियो ला, ये कह रहा है पुराने फोन की वीडियो। तो मैं बता दूं कि भाई उसकी जब लाएंगे, जब हमारे हाथ में फोन आ जाएगा। बट आज हम करने वाले हैं iPhone 12 Pro Max और Fold 3 को कंपेयर इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और 10,000 लाइक्स का एम किया 2,000 कमेंट का। और चैनल पर पहली बार आए मित्र तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे इतने महंगे फोन की बिल्ड किसकी अच्छी है। तो यहां पर एप्पल में आपको बैक में कस्टम कोटिंग ग्लास की प्रोटेक्शन दी है और वहीं पर सैमसंग में आपको दी गई है विक्टस की प्रोटेक्शन। दोनों में ही मैट फिनिश है, दोनों पर ही फिंगरप्रिंट इक्वली लगते हैं, तो आप विदाउट कवर दोनों फोनों को यूज कर सकते हैं। बाकी एप्पल के पास आपको सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिलती है कि इसकी डिस्प्ले पर आपको तकड़ी प्रोटेक्शन दी गई है। यहां पर आपको सिरेमिक शेल की प्रोटेक्शन दी है। वहीं पर जो आपका ये फोल्ड 3 है, इसकी कवर डिस्प्ले पे तो आपको देखने के लिए मिलते हैं विक्टस की प्रोटेक्शन, लेकिन मेन डिस्प्ले जो है ये फोल्डेबल है, जिसकी वजह से यहां पर आपको प्लास्टिक की प्रोटेक्शन दी है। बाकी यहां पर साइड फ्रेम की बात करें तो सैमसंग फोल्ड 3 में आपको साइड में एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है और एप्पल में आपको स्टेनलेस स्टील का फ्रेम दिया गया है। अब यहां पर जब आप दोनों फोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना, तो सैमसंग बहुत ज्यादा मोटा है, लेकिन जैसे आप इसे अनफोल्ड कर दोगे ना, तो भाई ये बहुत ज्यादा पतला भी है एप्पल के कंपैरिजन में। एंड सेम चीज हमने वेट के टाइम पर देखी, लाइक वेट सैमसंग ऑब्वियसली ज्यादा है एप्पल के कंपैरिजन में, एंड अच्छा खासा ज्यादा है। लेकिन जैसे आप इसे अनफोल्ड करते हो ना, तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही प्यारा है एंड ये काफी ज्यादा लाइट वेट फील होता है एंड आपको टैब वाली फील आएगी इसे चलाते हुए। तो यहां पर दोनों की अलग अलग इन हैंड फील है। अगर आपको एक इनोवेटिव फोन चाहिए तो नो डाउट यहां पर आपके लिए सैमसंग है, लेकिन अगर आप ज्यादा केयर नहीं करते फोन की तो यहां पर आप एप्पल की तरफ जाइए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे आपको पता है मैं क्रिप्टो करेंसी और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बहुत बताता हूं, तो आज मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपको वोल्ड ऐप से। ये एक तरीके से क्रिप्टो का बैंक है जिसमें आप सेल और बाय तो कर ही सकते हो क्रिप्टो करेंसी को, साथ ही अगर आपके वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी है तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और जिस तरीके से बैंक में फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, आप इसमें भी फिक्स कर सकते हैं। एंड जितने लंबे टाइम के लिए फिक्स करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट बढ़ के मिलेगा। और आप अपने क्रिप्टो करेंसी से लोन भी ले सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना होगा इस पर। साथ ही ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो कि क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं, लेकिन अपना टाइम नहीं दे सकते ये देखने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कब ड्रॉप हो रहा है। तो आपको इसमें AIP का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है। ये सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने परसेंट ड्रॉप पर आपको बाय करनी है, लाइक 10% पर, 20% पर। और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी उतनी ड्रॉप होगी तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो क्रिप्टो करेंसी परचेज कर लेगा। तो ये बहुत ज्यादा इजी बना देता है इसे यूज करना, एंड इसका UI बहुत ज्यादा इजी है। तो ये एप्लीकेशन इजी तो है, साथ ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। प्लस अगर आप इसकी सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बता दूं, एक तो ये इंडियन एप्लीकेशन है, दूसरा सिक्योर है बाय बिटगो, तो सिक्योरिटी भी कोई टेंशन मत लो। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का बैंक ट्राई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना। अब मेन मुद्दा भाई, 1.5 लाख रुपए आप पे कर रहे हो, किसके अंदर पावर ज्यादा है? तो एप्पल के अंदर आपको A14 बायोनिक प्रोसेसर दिया है, सैमसंग के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 की ताकत है। तो हमने जब दोनों फोन को साइड बाय साइड चलाया तो नो डाउट यहां पर सैमसंग थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील होता है, बिकॉज यहां पर कवर डिस्प्ले की बात करूं या मेन डिस्प्ले की बात करूं, दोनों में 120Hz का पैनल है, एप्पल के अंदर 60Hz का पैनल है। अभी जो iPhone 13 Pro Max आया, 13 Pro आया, उसमें 120Hz का पैनल है, तो उन्हें हम बाद में कंपेयर करेंगे। लेकिन यहां पर जब मैंने दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करा, स्क्रोलिंग की बात करूं उस टाइम पर आपको फील होगा कि सैमसंग ज्यादा स्मूथ है एप्पल के कंपैरिजन में। लेकिन ऐप ओपनिंग की बात करूं तो दोनों में नॉर्मल ऐप सेम टाइम पर ओपन हो जाती है, और हैवी एप्लीकेशन की बात करूं ये भी सेम टाइम पर ओपन हो जाती है। बाकी यहां पर हमने टेस्ट करा और भी ज्यादा डीप में, तो यहां पर हमने एंटूटू रन कराया, दोनों में फुल ब्राइटनेस करके हमने जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है रिमूव करी, एंड दोनों में सेम टाइम पर स्टार्ट करा। सबसे पहले फोल्ड ने अपनी जो ब्राइटनेस है उसे डाउन कर लिया था विद इन 1 मिनट, लेकिन जैसे हमें पता है एप्पल बहुत जल्दी अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करता है, तो 2 मिनट बाद ही एप्पल ने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी, और वो भी काफी खतरनाक तरीके से, और सैमसंग ने फिर से अपनी ब्राइटनेस रिकवर कर ली थी। बाकी यहां पर एंड होते होते जो प्रोसेसिंग थी एप्पल के अंदर थोड़ी आगे निकल गई, क्योंकि जो एप्पल A14 बायोनिक प्रोसेसर है वो वीडियो डिकोडिंग के मामले में सबसे बेस्ट है, और वहीं पर ये आगे निकल गया था, और एंड में प्रोसेसिंग इसने जल्दी कंप्लीट कर दी थी सैमसंग के कंपैरिजन में। बाकी यहां पर टेम्परेचर जो है वो दोनों का ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि हीट हुए, सैमसंग का था 42 डिग्री सेल्सियस और एप्पल का अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस था। अब हमने यहां पर इतना देखने के बाद एक बार और टेस्ट रन कराया, सेम रिजल्ट देखने के लिए मिले, एप्पल की जो ब्राइटनेस थी वो काफी खतरनाक तरीके से ड्रॉप होती है, और एंड में स्कोर लेकिन एप्पल के अंदर ही पहले आया बिकॉज ऑफ वीडियो डिकोडिंग प्रोसेस। अब यहां पर हमने देखा जो टेम्परेचर था दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल था, लेकिन सैमसंग ने अपना 42 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया, वहीं पर एप्पल का 41 डिग्री सेल्सियस चला गया। तो दोनों ही टेम्परेचर काफी अच्छे से मेंटेन करते हैं, लेकिन यहां पर ब्राइटनेस ड्रॉप करे विगर भी सैमसंग का जो टेम्परेचर था वो काफी अच्छे से टक्कर दे रहा है एप्पल को। तो यहां पर इस मामले में मुझे सैमसंग स्लाइटली बेटर लगा है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो रेंडरिंग
किसके अंदर जल्दी होगी, तो हम आपको बता देते हैं। हमने दोनों के अंदर सेम फाइल डाली, सेम सेटिंग्स रखी है, जैसे हमने एक्सपोर्ट पर क्लिक करा तो यहाँ पर एप्पल आपका बेटर परफॉर्म करता हुआ हमने देखा है। लेकिन हम एक बात बताना चाहेंगे, सैमसंग में जो मेन डिस्प्ले है, जब आप इसमें एडिटिंग करते हो, और आपको पता होगा अगर आप एक एडिटर हो कि जितना बड़ा एरिया होगा वीडियो एडिटिंग करने में मजा आता है, तो यहाँ पर आपको ये एडवांटेज मिल जाती है सैमसंग के पास बिकॉज ऑफ बिग डिस्प्ले। एंड अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं 1.5 लाख के फोन में, तो कौन आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो BGMI के अंदर आपको सेटिंग्स दोनों में सेम मिलती है, यहां तक कि गेम प्ले भी इक्वल ही है। बट यहां पर जो सैमसंग है, इसकी आप कवर डिस्प्ले में भी गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी छोटी हो जाती है गेम प्ले के हिसाब से। वहीं पर अगर आप मेन डिस्प्ले में गेम प्ले करते हो तो बिल्कुल टैब की तरह एक्सपीरियंस होता है। बट यहां पर मैं इसको कोई गेमिंग फोन नहीं बोलूंगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहां पर जो मेन डिस्प्ले है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर आपका नेल लग गया तो यहां पर डेंट पड़ जाएगा। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सैमसंग ने जो फोन निकाला कोई गेमिंग फोन नहीं है, हालांकि यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो एप्पल के बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये फोन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, लाइक एप्पल के अंदर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, यहां पर आप कर सकते हो। इसकी जो डिस्प्ले है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आप दूसरे में कुछ कर सकते हैं, एक में कुछ कर सकते हैं, स्प्लिट विंडो मिलती है, टैब की तरह एक्सपीरियंस होगा आपका, और इसके अंदर आपको सैमसंग डेक्स भी मिलता है जिसे आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर इसके अंदर बहुत सारा मसाला दिया है जो कि एप्पल के अंदर नहीं मिलता। तो नो डाउट सैमसंग ने बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव फोन बनाया इसे। अब यहां पर बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई इसकी जो कवर डिस्प्ले है इसमें आपको HD डिस्प्ले दी गई है, तो मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूं आपको। अब देखो ये जो कवर डिस्प्ले है OLED पैनल है 120Hz के साथ। यहां पर अगर बात करें इसके एस्पेक्ट रेशियो की, तो अभी तक का सबसे अजीब एस्पेक्ट रेशियो जो मैंने सुना है 25:9 के, जिसकी विड्थ में 832 पिक्सल एंड हाइट में 2268 पिक्सल, जिसकी वजह से यहां पर पिक्सल पर इंटेंसिटी काफी सही है इसकी डिस्प्ले में, हालांकि ये फुल HD डिस्प्ले नहीं है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक वीडियो के अंदर, अगर मैं 65 इंच का एक टीवी लूं और वो एक फुल HD पैनल और साथ ही मेरे पास जो फोन है वो भी फुल HD डिस्प्ले, जब मैं उन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा तो पिक्सल पर इंटेंसिटी अच्छी होने की वजह से मेरी फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफर करेगी 65 इंच के टीवी से। तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, सेम चीज यहां देखने के लिए मिलती है। तो जब हमने सैमसंग की कवर डिस्प्ले को कंपेयर करा ना एप्पल के सुपर रेटिना XDR OLED पैनल से, हालांकि दोनों में सेम ही डिस्प्ले है बट यहां पर 120Hz का पैनल है, तो डिटेल्स में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी, भले यहां पर HD पैनल दिया गया है, लेकिन यहां पर कलर से मैं कहूंगा कि एप्पल बेटर परफॉर्म करता है कवर डिस्प्ले के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं मेन डिस्प्ले को कंपेयर करूं सैमसंग की एप्पल से, तो यहां पर मेन डिस्प्ले फार बेटर परफॉर्म करती है एप्पल की डिस्प्ले से। और दूसरी एडवांटेज ये मिलती है कि यहां पर सैमसंग में आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा दिया है, और वहीं पर एप्पल में आपको नोच देखने के लिए मिलती है बड़ी सी, जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड लगती है अभी के हिसाब से। एंड यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सैमसंग ने जो अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर दिया है यहां पर ये बहुत ज्यादा फाइन है, यहां पर पिक्सेलेशन आई से दिखती है। मेरे पास Mi Mix 4 भी था, वहां पर पिक्सेलेशन बिल्कुल भी नहीं दिखती थी, तो यहां पर ये भी बात है, बट स्टिल ये एप्पल की डिस्प्ले से बेटर परफॉर्म करती है मैंने देखी है। अब यहां पर सैमसंग की डिस्प्ले में मुझे जो थोड़ी सी डिसएडवांटेज लगी है वो ये है, अगर आप कवर डिस्प्ले में कोई कंटेंट वॉच करते हो तो इसमें एरिया कट हो जाता है, अगर आप मेन डिस्प्ले में कोई कंटेंट वॉच करते हो तो यहां पर एक्स्ट्रा एरिया बच जाता है। हालांकि आप जब जूम करोगे तो आप इन्हें यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन फिर आपकी वीडियो कट हो जाएगी साइड साइड में से, तो यहां पर मेरे को थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज लगी है। तो एस्पेक्ट रेशियो अजीब होने की वजह से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहां करना पड़ेगा। और सैमसंग की डिस्प्ले पर अगर आप सामने से देख रहे हो तो क्रीज नहीं दिखेगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो यहां पर आपको क्रीज नोट हो जाएगी। तो ऑल ओवर अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो यहां पर सैमसंग बेटर निकल कर आया है। दो आपको डिस्प्ले मिलती है, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, और अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर भी है, और वहीं पर एप्पल के पास बड़ी सी नोच एडवांटेज ये है। कंट्रोल। अब दोनों ही फोन अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आपको बैक में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है शॉट वोट लेते हुए। एंड हर एंगल से भाई सैमसंग का फोन तो खड़ा हो जाता है, चाहे मैं ऐसे खड़ा करूं चाहे बंद करके खड़ा करूं, मतलब मुझे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, तो बड़ा हो गया बच्चा। खैर यहाँ पर दोनों ही फोन की अगर मैं IP रेटिंग की बात करूँ तो सैमसंग आपको मिलता है फोल्ड होने के बाद भी IPX8 वाटर रेजिस्टेंट, और वहीं पर एप्पल की बात करूँ तो IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर फोल्ड होने के बाद भी सैमसंग ने जो यहाँ पर IP रेटिंग दी है वो वाकई में विश्वसनीय है। अब दोनों इतने महंगे फोन है तो किसके कैमरे आपको ज्यादा खूबसूरत दिखाएंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो एप्पल में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है और सैमसंग में आपको 10 मेगापिक्सल का। यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो देखिए, तो दोनों ही फोन फ्रंट से 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड एप्पल के अंदर मेरी जो शर्ट है उसका कलर क्लोज टू नेचुरल है, वहीं पर सैमसंग ने थोड़ा सा बूस्ट कर दिया जिसे मैं आई प्लीजिंग बोल सकता हूँ। एंड यहाँ पर अब स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं दोनों की, चलिए। तो यहाँ पर सैमसंग की स्टेबलाइजेशन मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है, बट डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ पर एप्पल थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर अब बिल्कुल हम सनलाइट के सामने आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सन डाउन हो गया है। पता है यहाँ पर दोनों ने लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छे से किया है, बट एप्पल के अंदर जो कलर्स है वो थोड़े से बेटर मुझे लग रहे हैं एंड क्लोज टू नेचुरल लग रहे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको किसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगी। तो डे लाइट वीडियो तो आपने देख ली, अब लो लाइट वीडियो के अंदर मैंने देखा कि सैमसंग थोड़ी ज़्यादा ब्राइट वीडियो आपको ऑफर करता है, वहीं पर एप्पल के अंदर आपको ग्रेन्स मिलते हैं, चाहे मैं वीडियो की बात करूँ चाहे मैं फोटोज़ की बात
करूं, लो लाइट में ये प्रॉब्लम है एप्पल के अंदर। अब इंडोर फोटोज हमने कैप्चर करी है, यहां पर हमने देखा आई प्लीजिंग कलर आपको सैमसंग में मिलते हैं, एप्पल के अंदर आपको काफी क्लोज टू नेचुरल कलर्स मिलते हैं, बट यहां पर मैं पिक करना चाहूंगा सैमसंग की फोटो को, बिकॉज यहां पर आर्टिफिशियल लाइट काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है फेस पर, और डिटेल के मामले में दोनों इक्वल है, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं इंडोर। अब आउटडोर हमने फोटो कैप्चर करी, एंड कलर्स की बात करें तो यहां पर एप्पल थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटो कैप्चर करोगे लाइट दोनों ही काफी कमाल कंट्रोल करते हैं। सैमसंग के अंदर आपको कूल टोन मिलता है, एप्पल के अंदर आपको वार्म टोन मिलता है, जो कि टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अब यहां पर डिटेल्स जो है एप्पल के पास थोड़ी बेटर है, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों के अंदर इक्वल देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप अपोजिट लाइट फोटो कैप्चर करोगे तो यहां पर सैमसंग जो है शेडोज को काफी अच्छे से हाईलाइट करता है। एप्पल के अंदर इस चीज में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, लाइक डायनेमिक रेंज में एप्पल थोड़ा कमजोर हो जाता है अपोजिट सनलाइट। अब यहां पर लो लाइट फोटोज विदाउट नाइट मोड सैमसंग बेटर परफॉर्म करता है, वहीं पर नाइट मोड के साथ मिक्स रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, कभी एप्पल अच्छा परफॉर्म करता है तो कभी सैमसंग, लेकिन मोस्टली केस में सैमसंग नाइट मोड के साथ अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखा है मैंने फ्रंट में, और यहां पर जो नॉइस है वो एप्पल के पास ज्यादा देखने के लिए मिलती है लो लाइट में। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ऑल ओवर ये टोटली डिपेंड करेगा आप पर कि आपको आई प्लीजिंग कलर पसंद है या आपको क्लोज टू नेचुरल कलर चाहिए वार्म स्किन टोन के साथ। तो ये बात होगी फ्रंट कैमरे की। अब बात करें बैक कैमरास की, तो दोनों में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, सैमसंग में आपको मिलता है OIS और वहीं पर एप्पल के अंदर सेंसर शिफ्ट। तो यहां पर स्टेबलाइजेशन दोनों की काफी ज्यादा लाजवाब है, लेकिन यहां पर कलर्स और डिटेल के मामले में सैमसंग फार बेटर परफॉर्म करता है एप्पल के कंपैरिजन में। तो हम इसे 13 प्रो मैक्स से कंपेयर करके देखेंगे कि भाई कितना बेटर है, लेकिन अभी 12 प्रो मैक्स से बेटर निकल कर आ रहा है, ये चीज आप खुद भी स्टॉप करके देख सकते हैं। और लो लाइटिंग वीडियोस में हमने सेम चीज देखी जैसे फ्रंट में देखी थी, यहां पर सैमसंग आपको थोड़ी ज्यादा ब्राइट वीडियो ऑफर करता है, वहीं पर एप्पल के अंदर थोड़ी सी ग्रेन्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड में कोई आर्टिफिशियल लाइट है तो यहां पर एप्पल बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है उसे, सैमसंग में ओवर एक्सपोज हो जाती है आर्टिफिशियल लाइट लो लाइट के अंदर। तो ये बात होगी वीडियोज की। अब हमने इंडोर में जब फोटोज कैप्चर करी तो आई प्लीजिंग कलर्स आपको सैमसंग के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो एप्पल है वो क्लोज टू नेचुरल कलर्स ऑफर करता है, यहां पर आप खुद भी ये चीज देख सकते हो। डिटेल्स के मामले में दोनों को इक्वली रखना चाहूंगा, एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन इंडोर में दोनों का काफी ज्यादा लाजवाब है, बट फर्क आता है तो वही कलर्स का। अब यहां पर हमने जब आउटडोर फोटोज कैप्चर करी तो यहां पर मैंने ट्विटर पर ये फोटोज भी अपलोड करी थी, मोस्टली लोगों ने एप्पल को ही पिक करा, सैमसंग बहुत ज्यादा गोरा कर देता है एंड एप्पल आपको वार्म टोन देता है, एंड इसका जो स्किन टोन है वो क्लोज टू नेचुरल भी रहता है। बाकी यहां पर डिटेल्स दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल थी, एंड अपोजिट सनलाइट जब आप फोटो कैप्चर करोगे तो नो डाउट यहां पर सैमसंग बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज इसकी डायनेमिक रेंज बेटर है एप्पल के कंपैरिजन में, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का इक्वल है, बट फर्क आता है तो वही कलर्स का। अगर आपको आई प्लीजिंग कलर पसंद है तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लोज टू नेचुरल कलर्स चाहिए तो आप एप्पल की तरफ जा सकते हैं। बाकी यहां पर विदाउट नाइट मोड की बात करें तो एप्पल बेटर परफॉर्म करता है, नाइट मोड के साथ भी बैक कैमरा में आपका एप्पल बेटर निकल कर आया है। बाकी यहां पर दोनों के अंदर 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया है, एप्पल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 2.5x के साथ और सैमसंग के अंदर 2x के साथ। इंडोर के अंदर यहां पर एज डिटेक्शन दोनों का काफी कमाल का है, बस फर्क आता है वही कलर्स के अंदर, सैमसंग अगेन आपको आई प्लीजिंग कलर ऑफर करता है एंड एप्पल आपको क्लोज टू नेचुरल, लेकिन सैमसंग में जो ऑब्जेक्ट है वो लगता नहीं फोकस में, आप खुद देख सकते हैं यहां पर मैंने अलग अलग फोटोज कैप्चर करी है, वहीं पर एप्पल में डिटेल अच्छी है और फोकस में अच्छे से ले लेता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है जो कि एक अपडेट से फिक्स हो सकता है। अब यहां पर हमने जब अल्ट्रा वाइड में फोटो कैप्चर करी, दोनों के अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, और जैसे कि हमें पता है कि सैमसंग का जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता, वही चीज हमें यहां देखने के लिए मिली। बट अगर आप किसी ह्यूमन की फोटो कैप्चर करते हो तो स्किन टोन एप्पल के अंदर थोड़ा बेटर निकल कर आता है, एंड लोगों ने भी यही पिक किया था। तो ऑल ओवर हमने जितना भी देखा भाई दोनों के कैमरास को, तो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से टक्कर देते हैं। अगर आपको आई प्लीजिंग कलर चाहिए तो मैं यहां पर आपको सैमसंग प्रीफर करूंगा, लेकिन अगर आपको क्लोज टू नेचुरल कलर चाहिए और सनलाइट में आपको चाहिए वार्म स्किन टोन, तो यहां पर मैं आपको प्रीफर करूंगा एप्पल। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या अच्छा लगता है। अब फोल्ड के अंदर अंडर डिस्प्ले में जो कैमरा दिया है 4 मेगापिक्सल का है, जिसे लेकर लोग काफी ज्यादा शॉक्ड है, बट मैं बता दूं मैंने मी मिक्स 4 के अंदर 20 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर यूज किया था, आप साइड बाय साइड क्वालिटी देख सकते हैं। तो यहां पर 4 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर अगर मीटिंग के हिसाब से देखूं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इससे डे टू डे लाइफ में फोटो कैप्चर करने के लिए, तो नहीं, इसका मेन फ्रंट कैमरा सेंसर आपको कवर डिस्प्ले पे दिया गया है। अब यहां पर बात करते हैं दोनों के स्पीकर्स की, तो दोनों में आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं, और यहां पर मैं आपको सबसे पहले साउंड सुनाना चाहूंगा, तो सुनिए। सबसे पहले एप्पल, वाह ज्यादा लाउड है, खींच के तमाचा ही।
तो यहाँ पर सैमसंग आपको ज्यादा लाउड एंड क्लीन स्पीकर्स ऑफर करता है। सेम चीज हमने S21 के टाइम पर भी देखी थी, एप्पल को उन्होंने भी बीट कर दिया था। और दोनों के अंदर ही 3.5mm जैक का गड्ढा नहीं है, तो यहाँ पर गड्ढा मुक्त जिंदगी कर दिया इन्होंने हमारी। अब यहाँ पर हैप्टिक्स की बात करें तो जहां पर आपको एप्पल थोड़े ज्यादा सॉलिड हैप्टिक ऑफर करता है, वहीं पर सैमसंग आपको वेरिएशन ऑफर करता है अलग अलग जगहों पर, जो कि एप्पल आपको ऑफर नहीं करता। तो दोनों के हैप्टिक अपनी अपनी जगह काफी अच्छे हैं। अब यहाँ पर बात करें दोनों की बैटरी की, तो एप्पल के अंदर आपको मिलती है 3687mAh की बैटरी विद 20W फास्ट चार्जिंग, और सैमसंग के अंदर आपको मिलती है 4400mAh की बैटरी, और ये दो पार्ट में बैटरी डिवाइड है, और ये मिलती है 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो यहाँ पर चार्जिंग की बात करूं तो यहाँ पर एप्पल बैटर निकल कर आता है, ये जल्दी चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर बैटरी बैकअप में भी, जैसे कि आपको पता है कि 12 प्रो मैक्स का बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, तो यहाँ पर एप्पल इस मामले में भी बैटर निकल जाता है। तो ऑल ओवर ये था आज की वीडियो के अंदर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा। अब मैं अपनी ओपिनियन दूं तो यहाँ पर अगर आप अपने फोन की केयर अच्छे से कर सकते हैं, आपको लोगों के बीच में अलग दिखना है, तो यहाँ पर नो डाउट आप फोल्ड की तरफ चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने फोन को रफली यूज करते हो, ज्यादा केयर नहीं करते, तो यहाँ पर आप एप्पल की तरफ चाहिए। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस तरीके के यूजर हो, रफ यूज करने वाले, केयरली यूज करने वाले। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस सो कर टू वॉच योर हार्ट विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।